हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीग्रैंड विजन बाय कोमल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस, जिसमें आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डूई ग्लॉसी मेकअप लुक। एंड ये वाला जो मेकअप लुक होने वाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। एंड मैं आज आईज़ भी अपनी बिल्कुल न्यूट्रल रखने की कोशिश करने वाली हूँ, जो कि आई होप सो कि मैं कर पाऊँ वो वाली कोशिश, क्योंकि मुझे ना हमेशा बोल्ड कलर्स के साथ ही काम करना पसंद है। तो जब भी मुझे न्यूट्रल मेकअप लुक्स करनी होती है ना, तो आई एम थोड़ा सा नर्वस एट दैट टाइम कि मैं कहीं न्यूट्रल करते करते फिर ना बोल्ड कर लूँ आईज़ को, तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइज, अभी मेरी इस वाली वीडियो पे बढ़ने से पहले, अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ गाइज जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है द विग्रैंड विजन बाय कोमल। एंड उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा गाइज, आप उस पर भी हिट कर देना, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ की अपकमिंग नोटिफिकेशन हो वो आप सबको मिलती रहे गाइज। तो अभी देरी ना करते हुए चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो नाउ गाइज। सो गाइज, सबसे पहला मंत्र, अगर आप ड्यूई एंड ग्लॉसी मेकअप लुक कर रहे हैं, तो आपको यूज़ करना चाहिए ऐसे वाले, कोई भी जो होते हैं ना इल्यूमिनेटर्स, वैसे वाले इल्यूमिनेटर्स को यूज़ कर लेना चाहिए। तो आई एम यूजिंग दिस इल्यूमिनेटर, जो कि है पर्ल इल्यूमिनेटर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड दिस इज़ इन द शेड 01, जो कि मैं हर बार अपनी वीडियो में आप सबको बताती हूँ। एंड आई सीरियसली लव दिस स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर, विच इज़ इन द शेड 01। आप देख सकते हैं गाइज, मेरी स्किन भी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लोई हो रखी है, वो भी मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि किन चीज़ों के साथ मेरी जो स्किन है वो इतनी हेल्दी एंड ग्लोई हो गई है। एंड गाइज, बहुत टाइम बाद आज मैं फिर से अपना बेस मेकअप पहले करने वाली हूँ, एंड आज हम आईज़ लास्ट में करेंगे, क्योंकि आईज़ को मैं बिल्कुल न्यूट्रल रखने वाली हूँ। एंड ये वाला जो मेकअप लुक मैं करने वाली हूँ ना गाइज, ये आप ना कहीं पे भी, अगर आप नॉर्मली कहीं पे छोटी मोटी पार्टीज़ पे भी जा रहे हैं, या कहीं पे भी बाहर घूमने भी जा रहे हैं, तब भी आप ऐसे वाले लुक्स कर सकते हो। सो गाइज, आज ना मैं कंसीलर के लिए लेने वाली हूँ ये वाला मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, दिस इज़ इन द शेड लाइट, शेड 15। एंड जहाँ पे मेरे डार्कनेस है ना, मैं वहाँ वाले एरियाज़ पे अप्लाई कर लूँगी। नाउ गाइज, मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ अगेन मिलानी की कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन, एंड मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ ये वाला स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, जिससे मेरी जो फाउंडेशन है वो ग्लोई ड्यूई हो जाए। मैं आज सोच रही हूँ कि फाउंडेशन ना बहुत ही कम यूज़ करूँ, तो आई हैव टेकन 1.5 pump। एंड आप अपनी कोई भी फाउंडेशन को, बीबी क्रीम को, सीसी क्रीम को ग्लॉसी डूई बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इल्यूमिनेटर। मैंने ये वाला यूज़ करा है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। एंड आई विल शो यू माई फेस राइट नाउ कि कैसा लग रहा है अभी इस टाइम पे। आप देख सकते हैं बहुत ही डूईनेस आ गई है मेरे फेस पे, एंड आई एम क्वाइट लविंग दिस कॉम्बिनेशन। मुझे ना ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ गाइज, आई विल हाईलाइट माई हाईलाइटिंग पॉइंट्स, तो आई विल यूज़ दिस मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट कंसीलर, एंड दिस इज इन द शेड लाइट नेचुरल गाइज। मैं सिर्फ अपनी अंडर आइज को सेटल करूँगी, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ अगेन मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर। अभी आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाली हिलरी रोडा की आईब्रो ड्रॉइंग। गाइज, आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला आई शेडो पैलेट, ये है मर्करी रेट्रोग्रेड हुडा ब्यूटी का, जो कि ओरिजिनल हुडा ब्यूटी का मैंने पैलेट मंगवाया। एक्चुअली मैंने नहीं मंगवाया, ये मेरी सिस्टर ने मुझे पहले ही मेरे बर्थडे से गिफ्ट कर दिया मुझे। एंड नायका पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, वैसे तो आप सब देख ही चुके होंगे, मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। तो इसमें बहुत ही बड़ा सारा मिरर है, एंड मैं ये वाला कर्मा शेड यूज़ करूँगी गाइज, एंड मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करने वाली हूँ इस वाले शेड को। ओ माय गॉडनेस गाइस, दिस शेड इज सुपर पिगमेंटेड। अब मैं यूज करूंगी ये वाला शेड, जो कि है ऑफ बैलेंस शेड। नाउ आई विल टेक ये वाला शेड, जो कि है हॉट मेस, इस वाले शेड को लूंगी, एंड सिर्फ अपनी आउटर वी पे अप्लाई करने वाली हूँ डेप्थ देने के लिए। मैंने दो कलर्स यूज़ करे हैं, पहले मैंने यूज़ करा
ये वाला कॉस्मिक शेड एंड द सेकेंड वन मैंने यूज़ करा ये वाला गैलेक्सी शेड। तो मैंने जो अपनी आईबॉल एरिया पे है वहाँ पे यूज़ करा है गैलेक्सी शेड। तो गाइज मैं अपनी आईज़ पे कराई हूँ एंड मैं अपनी लोअर लैशेस पे भी कलर डिपॉजिट कराई हूँ, जो सेम मैंने ऊपर अप्लाई करे हैं वही नीचे अप्लाई करे हैं कलर। एंड दिस इज़ लुकिंग गुड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो अच्छी लग रही है, बहुत ही सर्टल है एंड काफ़ी अच्छी लुक लग रही है मुझे फिलहाल। तो अपनी आप भी बताना कि कैसी लुक करी है मैंने ये। अभी मैं क्रिएट करूँगी विंग, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला स्विस ब्यूटी का लिक्विड आईलाइनर। अभी गाइज आज मैं सोच रही हूँ कि कोई भी फॉल्सेस वगैरह अप्लाई नहीं करूँगी, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ दो मस्कारास को। तो पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाला मस्कारा जो कि है टू फेस का बेटर देन सिक्स मस्कारा। इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ ये वाला शुगर का मस्कारा। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला शुगर की पैलेट। इसमें से जो ये वाला कॉन्टोर शेड है इस वाले शेड को लूँगी एंड कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। ब्लश के लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल ब्लश। एंड अभी यूज़ करूँगी इनसाइड का मेकअप फिक्सर। हाइलाइटर के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला स्विस ब्यूटी का ड्रॉप वाला हाइलाइटर। अभी मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं ये वाली डुओ लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ जो कि है शुगर की। अभी अप्लाई करूँगी ग्लॉस। So guys, this is my final look. So guys, that was it for my today's video. I hope कि आप सबको मेरी ये वाली dewy, glossy makeup look अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो please hit the like button on my this video and also share my this video to your family members and your friends and please subscribe to my channel guys, जिसका नाम है द वीग्रैन विजन बाय कोमल एंड उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा गाइज, आप उस पर भी हिट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस हो वो आप सबको मिलती रहे गाइज। तो अभी मैं जल्दी ही मिलूंगी आप सबसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज एंड थैंक यू।